हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोग्राम मोड के बारे में बात की थी, आज हम टीवी मोड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे आगे आने वाले नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो तरह की इमेजेस दिख रही होंगी, एक है फ्लो, दूसरा है फ्रोजन। इस मोड में हम ये दो टाइप की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम टीवी मोड में क्या क्या फंक्शन होते हैं ज़रा डिटेल्स में देखते हैं। ये है आपका शटर स्पीड का स्केल, इस पर आप देख सकते हैं जो नंबर दिख रहा होगा ये सेकंड्स का काम करता है, जैसे 2, 4, 6 सेकंड। तो ये लेफ्ट में 30 सेकंड्स तक का जाता है और राइट में आपको जो जाएगा 1/4000 तक का जाएगा, जो 1 सेकंड से लेकर 4000 तक का पार्ट है। एक्सपोजर कंपनसेशन, ये फंक्शन हमने प्रोग्राम मोड में भी देखा है, आपको देख के एक आइडिया आ गया होगा इस फंक्शन में क्या होता है। कर्सर को राइट में किया तो ब्राइट इमेज क्लिक होगा और लेफ्ट में किया तो डार्क इमेज क्लिक हुआ, अगर बीच में रखा तो जो अवेलेबल लाइट है वैसा ही इमेज क्लिक होगा। अब हम आते हैं ड्राइव मोड पे, इसमें आपको 7 फंक्शन मिलेंगे यूज़ करने के लिए। सिंगल शूटिंग, कंटिन्यूस शूटिंग, सिंगल साइलेंट शूटिंग, कंटिन्यूस साइलेंट शूटिंग, 10 सेकेंड टाइमर, 2 सेकंड टाइमर और कस्टमाइज सेकंड टाइमर। AF पॉइंट, सबके कैमरे में अलग अलग नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं, इस कैमरे में 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं। इसमें अगर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है तो भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिकली सिलेक्शन पर छोड़ सकते हैं जो कैमरा अपने आप ऑटो फोकस कर लेगा। फोकसिंग मेथड, कैमरा 3 टाइप के ऑटो फोकस मेथड यूज़ करता है, जिसमें है पहला 1 शॉट ऑटो फोकस जो कि यूज़ होता है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, दूसरा है AI फोकस, ये यूज़ होता है स्टिल मूविंग सब्जेक्ट के लिए जो स्टिल हो फिर कंटिन्यूस मूव करने लगे, फिर तीसरा है AI सर्वो जो कि कंटिन्यूस मूव करता है। आप ये फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, टीवी मोड में हमें ओनली शटर स्पीड ही कंट्रोल करने मिलेगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओनली शटर स्पीड ही चेंज हो रहा है, अपर्चर का जो सेक्शन है वो आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि शटर स्पीड का काम लाइट कितने टाइम तक अंदर लेना है ये डिसाइड करता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे जैसे जो शटर स्पीड है कम हो रहा है वैसे वैसे जो व्यू है आपको ब्राइट हो रहा है, और जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका जो एरिया है डार्क हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था आप इस मोड में 2 तरह की फ़ोटो खींच सकते हैं, पहला है फ्लो, दूसरा है फ्रीज। तो फ्लो टाइप की फ़ोटो क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको ट्राइपॉड रिकमेंडेड है, क्योंकि हमारा हाथ इतना स्टेबल नहीं होता है कि उस शेप को मेंटेन कर सके। ये 2 तरह के एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2 इमेजेस जो है आपको स्लो शटर में खींची गई है। दूसरा है फ्रीज, इस फोटोग्राफी में आपको अपना शटर स्पीड जो है 1/125 से स्टार्ट करना होगा, जो कि बाकी आपको सेटिंग सेम ही रखनी है। सब्जेक्ट को ट्रैक करना है स्टार्ट टू एंड और ट्रैक करना है उसे, शायद 1/125 में आपका जो सब्जेक्ट हो फ्रीज ना हो तो आपको अपने शटर स्पीड को बढ़ाते जाना है जब तक कि वो फ्रीज ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे AV मोड की, तो तब तक के लिए अलविदा।